में थोड़ा सा फर्क है। ये पावर स्विच में ये करंट एक, ये लेन की वायर है, देखें इसमें 10 वोल्ट आ रहे हैं, 9 वोल्ट। यहाँ पर मैं इसको अगर करूँगा वेव फॉर्म में, तो वेव फॉर्म में थोड़ी ज़्यादा आपको समझ आएगी। तो ये हमारे लेन की वायर है, ठीक है। ये आई होप जी मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल हैरियत से होंगे, और आप तमाम दोस्तों को अपने नए चैनल फॉल्ट फिक्स विद हमजा पर वेलकम करता हूँ। आज का फॉल्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फॉल्ट है और बहुत मज़े का फॉल्ट है, और इसमें बहुत सारा टाइम लगा है जी थोड़ा डायग्नोज करने में, तो सोचा कि आपके साथ ये इंपॉर्टेंट फॉल्ट शेयर करूँ। कस्टमर ने बताया जी कि मैंने इसकी बैटरी रिप्लेस की है, बैटरी रिप्लेस करने के बाद मसला क्या है जी, यहाँ पर आप देखें ये मेरे पर स्विच है और इसका पावर विंडो में प्रॉब्लम आ रहा है, देखें ये आवाज़ आ रही होगी नीचे में, ये नीचे ये जाता है, ठीक है। ऊपर करेंगे तो ये ऊपर नहीं जाएगी मोटर, ठीक है, ये इसमें मसला आ रहा है। ऊपर करूँगा तो ये बिल्कुल ऊपर नहीं जा रहा, और यहाँ पर दूसरे जितने भी डोर हैं इसके वो काम कर रहे हैं इधर से, ये बाकी जितने भी हैं वो सारे काम कर रहे हैं इसमें, लेकिन ये जो है ये हमारा ये सिर्फ नीचे जाता है, ड्राइवर साइड का ऊपर नहीं जाता। अब इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज की हुई हैं, ये स्विच सारा चेंज किया हुआ है, ठीक है। 3 से 4 मोटरें इसकी रिप्लेस की हैं ये वाली ड्राइवर डोर की, ठीक है। एज इट सेम प्रॉब्लम थी, ऊपर एक मरतबा गया फिर नीचे आ गया और उसके बाद फिर ऊपर नहीं जा रहा, अभी भी आप देखेंगे तो ऊपर नहीं जा रहा। तो सप्लाईज वगैरह मैं आपको चीज़ें चेक कराता हूँ ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पर आप देखेंगे ये जी इसमें कनेक्टर है इसके मोटर के, सबसे पहले वायरिंग आपको थोड़ी चेक करा देता हूँ ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके आपको जी। ये मैंने ये ES 2012 मॉडल गाड़ी है, यहाँ पर मैंने खोला हुआ है, और ये हमारी जो पावर विंडो है लेफ्ट साइड की, फ्रंट लेफ्ट उसका ECU है, ठीक है। ये मोटर में करंट है। अब यहाँ पर देखें एक तो साथ से ये 5 एम्पेयर का फ्यूज़ है जो कि सीधा जा रहा है इसके मास्टर स्विच में, ये मास्टर स्विच में जा रहा है। मास्टर स्विच में सिर्फ 3 वायरों में हमने चीज़ें चेक करनी है, एक इसका 11 नंबर पर करंट है, 17 नंबर पर उसकी लेन की वायर है, लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क कन्वर्ट, ये समझ लें कि CAN सिस्टम या बेसिकली यानी कम्युनिकेशन का एक सर्किट है जो कि 1 वायर पर काम करता है, जैसे कि आपने K-लाइन सर्किट समझा हो या पीछे L-लाइन सर्किट समझा हो, तो उसमें ये एक वायर पर कम्युनिकेशन सर्किट है जो कि BCM से बॉडी कंट्रोल एरिया से हमारा कंट्रोल हो रहा है, और ये सारे जितने भी डोर्स हैं उनमें जा रहा है। देखें यहाँ पर आ गया एक वायर तो इसके में चली गई मास्टर स्विच में, ये मास्टर स्विच में, और बाकी जो वायरें हैं देखें ये पिंक कलर की वायरें, बाकी वायरें बाकी सारे डोर्स में जा रही हैं। अब मसला इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर जी ये हमारा 12 वोल्ट के अंदर सर्कुलेट करती हैं, यानी इसके वोल्टेज ऊपर नीचे चलते हैं। मैं आपको इधर पावर सप्लाई चेक कराऊंगा, लेकिन सर्किट पहले आपको समझा दूँ। यहाँ पर 12 वोल्ट, ठीक हो गया, और यहाँ पर दूसरी जो वायर हैं ये मोटर में जा रही हैं। अब मोटर से इसके स्विच में जाती हैं, देखें वायरें सारी। अब एक ग्राउंड इसमें मोटर में 1 नंबर पर चला गया, 2 नंबर पर इसका 30 एम्पेयर का फ्यूज़ आ गया पावर का, और 2 वायरें इसके जो जाती हैं इसके देखें पावर स्विच में, और 2 वायरें सेम इसकी, एक LED की लाइट की है और एक लेन की है, यानी पहले स्विच में लेन की वायर जाती है कम्युनिकेशन की, फिर मोटर में जाती है, ठीक है। अगर मोटर में कोई प्रॉब्लम होगा, लेन की वायर में कोई इशू आएगा, तो बाकी भी प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पर इसमें हमने चेक करना है सप्लाईज वगैरह, इसमें ग्राउंड एक चेक करना है, एक सप्लाई चेक करनी है, और एक लेन की वायरें, 3 वायरें हमने मास्टर स्विच में चेक करनी है, और एक इधर अर्थ और इधर करंट हमें यहाँ पर चेक करना है इसके मोटर में, और लेन की वायर 9 नंबर उसमें चेक करनी है। तो चलते हैं जी, आपको उसकी पावर सप्लाई चेक कराता हूँ, फिर आपको फॉल्ट समझाता हूँ जी, इशू किधर आ रहा है इसका। बैटरी लगी हुई है, अब जब कस्टमर कहता है कि सिर्फ पहले बल्कि गाड़ी बिल्कुल ओके थी, सिर्फ बैटरी रिप्लेस की है, बाद में इशू आया, तो ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है, ये कैसे हुआ जी, बैटरी रिप्लेस करने से कैसे ये हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी गाड़ियों में काम किया तो इस तरह का कभी मैंने इशू देखा नहीं है इन गाड़ियों में। सबसे पहले हम मास्टर स्विच में चेक करेंगे अपनी सप्लाईज, ये देखें एक ग्राउंड है, यहाँ पर ये पिंक कलर की वायर जो है ये हमारी करंट की वायर, सॉरी लेन की वायर है, और यहाँ पर एक वायर जो है वो हमारी फ्यूज़ की वायर है। तो मैं आपको चेक कराता हूँ, इसमें कलर थोड़े से डिफरेंस है, उसकी वजह ये है कि ये जो गाड़ी है ये हलीजी गाड़ी है, हलीजी गाड़ी में वायरें तो सारी सेम ही हैं, यानी करंट वगैरह सारी सेम है, लेकिन कलर में थोड़ा सा फ़र्क है। ये पावर स्विच में ये करंट एक, ये लेन की वायर है, देखें इसमें 10 वोल्ट आ रहे हैं, 9 वोल्ट। यहाँ पर मैं इसको अगर करूँगा वेव फॉर्म में, तो वेव फॉर्म में थोड़ी ज़्यादा आपको समझ आएगी। तो ये हमारे लेन की वायर है, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पर दूसरा जी हमारा 12 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि इसमें एक फ्यूज़ की करंट, एक ग्राउंड और लेन की वायर बिल्कुल ओके है, इट्स मेन ये हमारा बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर हमने क्या चेक करना है इसके मोटर में, एक तो 30 एम्पेयर का जो फ्यूज ग्राउंड और फ्यू चेक करना है हमने पावर, ये जी ये ग्राउंड है और ये पावर इसमें आ रही है,
अब ग्राउंड भी आ रहा है, पावर भी आ रही है, ठीक हो गया। अब 9 नंबर पर हमने चेक करनी है जी अपनी लेन की वायर। लेन की वायर में कैसे वोल्टेज आएंगे, जैसे हम इसका पावर विंडो स्विच लगाएंगे, क्योंकि पहले उसमें जाते हैं और फिर इसमें हमारी लेन की वायर जो है उसमें वोल्टेज आते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो लेन की वायर में यहाँ पर भी वोल्टेज हमारे आ रहे हैं। अब मैंने स्विच इसका लगाया हुआ है। अब ये जो लास्ट में दो वायरें हैं ये अप एंड डाउन की वायरें हैं, ये आप रेड और ग्रीन देख रहे हैं, ये अप एंड डाउन की वायरें हैं। यहाँ पर दोनों पर 12 वोल्ट आ रहे हैं। 12 वोल्ट अगर आप सादे टेस्टर से चेक करेंगे तो करंट नहीं शो करेंगे, लेकिन ये गाड़ियाँ जो है इनमें ये ज़रूरी आपका इस तरह का कोई स्कैन टूल या मल्टीमीटर इस्तेमाल करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर देखें ये इधर में भी 12 वोल्ट आ रहे हैं और दूसरी साइड में भी 12 वोल्ट इधर शो करेगा। ये दोनों साइडों पर 12 वोल्ट शो कर रहा है, ये देख रहे हैं जी, यानी करंट शो कर रहा है। अब ये कैसे काम करता है ये मैं आपको चेक कराता हूँ। इसमें मोटर लगाता हूँ जी, अब नीचे करेंगे। अब जैसे इसको मैं नीचे करूँगा तो एक साइड पर करंट आ जाएगी और एक साइड पर ग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। एक साइड पर करंट रहेगी और एक साइड पर ग्राउंड रहेगी। जैसे ही मैं दूसरी साइड पर लगाऊंगा तो उसी तरह बिल्कुल जो है ना एक साइड पर ग्राउंड और एक साइड पर करंट रहेगी। तो यहाँ पर ये मैं लगा रहा हूँ इसमें टेस्टर, ये आप देखेंगे, और यहाँ पर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें जी। इस दूसरी साइड पर देखिए ऊपर किया तो एक साइड में ग्राउंड आ गया। कैमरा है असल में, एक हाथ में मेरा कैमरा, ये देखिए मैं ऊपर करूंगा तो एक साइड में ग्राउंड आ गया। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड पर करूंगा तो एक साइड में करंट रहेगी और एक साइड पर ग्राउंड रहेगी, यानी दोनों साइड पर सप्लाईज इसकी आ रही हैं। दोनों साइड के लेफ्ट राइट पर इसकी सप्लाईज ग्राउंड और करंट आ रही है। जैसे मैं एक साइड पर ग्राउंड करता हूँ तो एक साइड पर अर्थ आ जाता है और दूसरी साइड पर करंट आ जाती है। जैसे नीचे करता हूँ तो एक साइड पर करंट और दूसरी साइड पर ग्राउंड आ जाता है, यानी कि सप्लाईज इसकी बिल्कुल एक्यूरेट आ रही हैं, अप डाउन की एक्यूरेट आ रही हैं। और एक तरीका और भी है, वो आप लगाएं इसका अपना स्कैन टूल लगाएं, यहाँ पर आप इसके स्विच को भी टेस्ट कर सकते हैं। स्विच भी आपको टेस्ट करा कर भी चेक करा दे। ये देखें जी हमारी गाड़ी डायग्नोज हो रही है सब डोर में। यहाँ पर ग्लास पोजीशन इंस्टॉलेशन इनकम्प्लीट है ड्राइवर साइड की। अब कैसे ये कम्प्लीट होगी इंस्टॉलेशन, क्योंकि ऊपर तो जा ही नहीं रहा ना, तो कम्प्लीट कैसे होगी। एरर मैंने आपको चेक करा दी। यहाँ पर हमने स्विच टेस्ट करना है। लाइव डाटा में जाएंगे, डाटा स्ट्रीम में, यहाँ पर सारा जो इसके स्विचेस हैं वो सामने आ जाएंगे। इसको मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर मज़े की बात यह है कि इसका स्विच भी आप टेस्ट कर सकते हैं। इसको मैं नीचे करूँगा डाउन, तो यहाँ पर डाउन की जो सप्लाईज हैं, ये पावर विंडो डाउन, ये देखिए ऑन हुआ, पावर ड्राइवर डोर पावर विंडो डाउन स्विच, ये ऑन हुआ, सेंटर वाली ये ऑन हुआ। अब मैं ऊपर इसका करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर भी ये ऑन होगा, ये देखें ऑन हुआ है ये वाला, ये ऊपर भी ये ऑन हुआ। मैं फिर दोबारा करता हूँ आपके सामने, ये इस तरीके से ऑन करेंगे तो यहाँ पर भी ये ऑफ हो गया। अभी मैं फिर इसको ऊपर करूँगा तो ऑन हुआ, यानी कि ये सप्लाईज भी उधर दे रहा है, ठीक है, सप्लाईज भी इसकी ऊपर जा रही हैं, यहाँ पर सिग्नल भी जा रहा है, यानी अब देखेंगे सप्लाई सारी आ रही हैं, ग्राउंड प्लस भी आ रहा है, लेन की वायरिंग भी इसकी आ रही है, और इसका जो है वो कम्युनिकेशन भी ठीक हो रही है, यहाँ पर कम्युनिकेशन भी कर रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो फिर हमारा कम्युनिकेशन भी ना हो ड्राइवर डोर के साथ, कम्युनिकेशन भी हो रही है, अप डाउन भी हो रहा है, यानी अब बंदा इसमें क्या करे। मोटर रिप्लेस है, स्विच रिप्लेस है, एवरीथिंग, यानी यहाँ पर रिप्लेस किया हुआ ओके है, ठीक है। सप्लाईज भी इसकी एक साइड पर ग्राउंड है और एक साइड पर प्लस है, ऊपर करते हैं तो दोनों चेंज भी होती हैं, यानी कि यहाँ पर ठीक दिखाता है, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पर अगर एक्चुएशन टेस्ट करेंगे तो ऊपर नीचे भी जाता है, यानी कि सारी चीज़ें इसकी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक्चुएशन टेस्ट करूँगा तो ये देखेंगे, पावर विंडो में जाएंगे तो नॉन मॉनिटरिंग डाटा में जाऊँगा, ऊपर करूँगा तो ये ऊपर भी गया, ठीक है, ये ऊपर भी गया। अब इसको नीचे करूँगा तो यहाँ पर एक्चुएशन टेस्ट है, ये नीचे भी गया। अब इसका मतलब ये है कि मोटर भी हमारी ठीक है, अगर मोटर में प्रॉब्लम हो तो फिर तो ऊपर भी ना जाए, तो मोटर भी हमारी ठीक है। अब ये इशू है जी। अब इसमें और बाकी ये स्विचेस यहाँ पर ये देखें, ये ओके ऊपर नीचे जा रहे हैं, ऊपर नीचे ये जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और फॉल्ट है कि यहाँ पर अपने बटन से ये काम नहीं कर रहे, ठीक है, अपने बटन से ये सारे डोर काम नहीं कर रहे, सिर्फ ड्राइवर साइड के इस स्विच से सारे काम कर रहे हैं। अब ये एक और पंगा पड़ गया, यानी कि बैटरी सिर्फ रिप्लेस कराइए, कस्टमर ने वो कह रहे हैं कि बैटरी मैंने रिप्लेस कराई है, ठीक है। तो ये नए मॉडल की गाड़ियाँ देखिए 12 मॉडल है, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन सर्किट आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारा, ताकि अब ये टोयोटा लेक्सस में किसी भी गाड़ी में काम करें तो आपको इसको सर्किट की समझने की टेंशन ना पड़े। तो वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, डायग्नोज करने में टाइम लगता है, तो आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि इस तरह के सीक्रेट फॉल्ट आपके साथ शेयर किया जाए। अब मज़े की बात आपको चेक कराऊँगा जी, ये जो हमारी लेन की वायर है, देखें ये लेन की वायर पिंक कलर की वायर है, ठीक है, मैंने इसको काट दिया, अभी कम्युनिकेशन मैंने ख़त्म कर दी है। अब कम्युनिकेशन इसकी मैंने ख़त्म की, ठीक है, अब आप चेक करेंगे, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये नीचे आ रहा है,
ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। ये इसकी किसी ने मोटर भी खोली थी, इसकी टाइमिंग भी आउट कर दी है, ठीक है। ऊपर नीचे सारा ये जा रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब है बटन भी हमारा ठीक है, मोटर भी ठीक है। अब मसला किधर आ गया, ये कम्युनिकेशन की वायर, जो लेन की वायर है, इसमें हमारा इशू आ गया। अब लेन की वायर में हमने कैसे चेक करना, सबसे पहले ये जो जा रहा है स्विच यहाँ पर नीचे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको ये चेक करनी है, क्योंकि इस पर ध्यान इसलिए नहीं जाता कि कस्टमर जब कहता है ना कि मैंने सिर्फ बैटरी रिप्लेस कराई है, उसके बाद हमारा इशू आया, तो इस पर फिर आप कहते हैं कि ये बैटरी रिप्लेस कराने से कैसे ये पंगा पड़ गया, तो पंगा पड़ जाते होते हैं। आपने बस ध्यान से इसको डायग्नोज करना होता है। मैं आपको चेक कराता हूँ जी, यहाँ पर ये चेक करेंगे, ये दो कनेक्टर जो हैं ये हमारे आ रहे हैं इस वायरिंग से, ठीक है। एक वेव कनेक्टर है, ये कनेक्टर है, ये आप देखेंगे, मैं लाइट ऑन करता हूँ ताकि थोड़ा प्रॉपर आपको दिखा सकूँ। ये लाइट ऑन करेंगे तो बिल्कुल कनेक्टर अंदर भी ओके है, ये भी बिल्कुल साफ सुथरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पर जो सेकंड कनेक्टर है ये उतारूँगा, तो भाई साहब ये चेक करें, ठीक है। यहाँ पर नीचे चेक करें, अब ये क्रूजन गया हुआ इसमें, ये यहाँ पर ये हमारी लेन की वायर है, ये पिंक कलर की वायर देखेंगे, ये लेन की वायर है, ये ग्राउंड के साथ वाली। अब यहाँ पर ये लेन की वायर जो है, कम्युनिकेशन की वायर हमारी शॉर्ट हो चुकी है। अब ये कम्युनिकेशन की वायर शॉर्ट होने की वजह से हमारा सिग्नल तो इधर आ रहा है, वोल्टेज वगैरह आ रहे हैं इधर, पर काम नहीं कर रहा। तो इसको क्लीन करते हैं जी आपके सामने और फिर लगाते हैं। करने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसकी पिनें ख़राब हो चुकी हैं ज़्यादा, तो अभी इसके रिप्लेस कर देते हैं सारी पिनें और फिर चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको पैक कर दिया, जब भी आप करें तो सोल्डरिंग लाजमी किया करें। अभी मैंने सोल्डरिंग की है सारी वायरें, सारी पिनें रिप्लेस करके। तो यहाँ पर इसकी ओल्ड पिनें मैं आपको चेक कराई थी क्या कंडीशन थी, जिस वजह से हमारा इशू आ रहा था, ठीक है जी। तो ये फुल रस्टेड थी और जिस वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर, वोल्ट तो आ रहे थे लेकिन प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। तो अभी जी आपके सामने ये ऑटो, ये ऑटो डाउन, ठीक है जी, नीचे जा रहा है और ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी इसका मैं लगाता हूँ इसका शीशा और फिर आपको चेक कराता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली सारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। ये नीचे पहले भी जा रही थी, अब ऑटो ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर भी जा रही है गाड़ी और यहाँ पर ये बिल्कुल ओके हो चुका है। और यहाँ पर भी आप एरर देखेंगे, तो पहले इंस्टॉलेशन का एरर एक आ रहा था, वो भी अभी हमारा चला गया हुआ, यानी हमारी गाड़ी बिल्कुल अभी ओके हो चुकी है। तो सप्लाईज के अलावा भी ये नई गाड़ियाँ सारी जो है कैन सिस्टम या लेन सिस्टम के ऊपर चल रही है, यानी कम्युनिकेशन सर्किट के ऊपर चल रही है। अगर एक वायर भी कम्युनिकेशन की प्रॉपर नहीं होगी तो आपका डोर तो एक तो यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं करेगा, और दूसरा ये है कि प्रॉपर काम नहीं करेगा, या इधर से काम नहीं करेगा या उस बटन से काम नहीं करेगा, सही है। तो इसकी मोटर्स में पहले करंट आ जाती है फिर स्विचेस में जाती है। ये आपने सर्किट इसका जो है वो अच्छे तरह इस वीडियो में बार बार देख के समझ लेना है। एक गाड़ी का आपने समझ लिया तो आपको कोई भी टोयोटा लेक्सस की जितनी भी पुरानी है नई गाड़ियां उस पर काम करते हुए कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि टोयोटा और लेक्सस में जो सिस्टम्स आते हैं वो ज्यादातर सेम टू सेम होते हैं। थोड़ा बहुत उसमें वायरिंग का फर्क आता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर आप चैनल पर पहली दफा तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और अपना जो फीडबैक है कमेंट में अपना नाम या कहां से आप देख रहे हैं वो लाजमी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।